हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एशियाटिक सोसाइटी। और ये जो पर्सनालिटी जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये है मैडम विस्पी बालापोरिया जी, जो कि रिसेंटली एशियाटिक सोसाइटी के चेयरपर्सन के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। देखिए, एशियाटिक सोसाइटी का जहाँ तक सवाल है तो इसको इस्टेब्लिश किया जाता है 1804 में एज ए लिटरेरी सोसाइटी। तो लिटरेरी सोसाइटी का क्या मतलब हुआ, देयर आर सम पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन लिटरेचर। तो लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए एक लिटरेरी सोसाइटी बनाई जाती है। दैट मीन्स कि इसके जो मेंबर्स होंगे वो लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए इसके मेंबर बने होंगे। तो कहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया जाता है, बॉम्बे में किया जाता है। किसके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया जाता है, जेम्स मैकिंटोश के द्वारा, जो कि बेसिकली एक स्कॉटिश थे और ये इंटरेस्टेड थे ओरिएंटल स्टडीज़ में। तो ओरिएंटल स्टडीज़ क्या होता है, अदर देन वेस्टर्न स्टडीज़, या फिर आप कह सकते हो एशियन स्टडीज़। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि एशियाटिक सोसाइटी को इसलिए बनाया गया ताकि जो एशियन लिटरेचर है उसको प्रमोट किया जा सके। 1826 में क्या होता है, 1826 में एशियाटिक सोसाइटी ये पार्ट बन जाता है किसका, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड का। और उसके बाद इसको किस नाम से जाना जाने लगा, बॉम्बे ब्रांच ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी। देन फाइनली 1954 में आप देखते हो कि हर तरीके का यहाँ पे जो एक रिलेशन था रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड के साथ में, इसको कट ऑफ कर दिया जाता है एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा। और बाद में इसका नाम जो चेंज होकर क्या हो जाता है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे। और अभी जो प्रेजेंट आप नाम देख रहे हो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई, तो ये करंट इसको नेम मिलता है 2002 में। ठीक है, तो ये इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। अब कुछ फैक्चुअल बातों पर नज़र डालते हैं कि ये एशियाटिक सोसाइटी है किन किन एरियाज में काम करते हैं। देखिए, ये काम करते हैं इन कंडक्टिंग हिस्टोरिकल रिसर्च, हिस्टोरियंस को अवार्ड देना, देन एक इंस्टीट्यूट भी रन करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी के लिए। तो यहाँ पे ये कुछ इनकी एक्टिविटीज़ हैं। तो एक्टिविटीज़ देखने के बाद आप काफ़ी कुछ जज कर पाओगे कि ये किन किन एरियाज में काम करते हैं। इनके लाइब्रेरी का जहाँ तक सवाल है तो मोर देन यहाँ पे 1 लाख बुक्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि या तो डोनेशन के रूप में आए हैं या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की ये देन है। इसके अलावा ये सोसाइटी जूनियर फेलोशिप भी प्रोवाइड करती है इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। फेलोशिप का बेसिक मतलब ये होता है कि आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया जाएगा। और इसके अलावा ये उन स्कॉलर्स के नेम को भी रिकमेंड करते हैं टैगोर नेशनल फेलोशिप के लिए, किसको, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि इससे जुड़ा हुआ है कि इस सोसाइटी का चीफ पैट्रन कौन होता है, इसका चीफ पैट्रन होता है गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। ये भी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चीफ पैट्रन के जहाँ तक देखिए बात है, दे आर नॉट ऑफिशियली मेंबर ऑफ द सोसाइटी, बट स्टिल इनका काम क्या होता है कि किसी तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है ये सोसाइटी को प्रोवाइड कर सके। अभी हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, अभी ये इतने चर्चा में क्यों है, देखिए अभी इसलिए चर्चा में है क्योंकि एशियाटिक सोसाइटी के अगर एग्जिस्टेंस की अगर हम बात करें तो लगभग 215 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई भी विमेन प्रेसिडेंट नहीं बनी थी। तो ये पहली बार हुआ, ये पहली बार हुआ कि एक विमेन इसकी प्रेसिडेंट बनती है। और ये विमेन का नाम है विस्पी बालापोरिया जी। और विस्पी बालापोरिया जी के बारे में थोड़ी सी स्टडी करते हो तो आपको मालूम चलता है कि ये वाइस प्रिंसिपल रह चुकी है जय हिंद कॉलेज मुंबई की, और वहाँ की HOD भी रह चुकी है इंग्लिश डिपार्टमेंट की। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप कि आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।